हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र बोलके आप सभी का अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं एक खास वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। इसमें खास बात यह है कि आज अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई में कैंपस इंटरव्यू रखा गया था। एक्चुअली कैंपस इंटरव्यू नहीं तो प्रैक्टिकल बेस्ड सिलेक्शन था, क्योंकि हमारे साथ जो कंपनी जुड़ गई थी, मतलब जो आई थी, वो एक रेपुटेड कंपनी है जिसका नाम है डबी प्रेसिडेंट प्राइवेट लिमिटेड है, और उसी के जनरल मैनेजर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उस जबरदस्त शख्सियत का नाम है आदरणीय इम्तियाज चौधरी सर। तो आइए उन्हीं से बात करते हैं कि उनको यहाँ पर क्या अनुभव उन्होंने महसूस किया। चौगले सर, आप बहुत सी जगह पर गए होंगे इंटरव्यू लेने के लिए, तो हमें ये बताइए कि यहाँ पर आपने जब स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया, उसमें हमारे जो ट्रेनिस थे उनका परफॉर्मेंस कैसे था? एक्चुअली आज हम आपके इंस्टीट्यूट में आए थे फिटर्स के रिक्रूटमेंट के लिए। बहुत सारी जगह पर जब हम लोग लेते हैं तो वन और टू और थ्री पीपल आर गुड, बट यहाँ पे कैसा है कि जो रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट कॉलर टू कॉलर है, एवरीबॉडी इज नियर गुड, राइट। और जितने की स्किल्स हैं उसमें, जैसे कि फिटिंग का जो हम ले रहे तो बेंच स्किल पे या वर्क स्टेशन पे जो काम करने का मैनर्स है, या जॉब को स्टार्ट करने का जो अप्रोच है, या जो टूल सिलेक्शन है, या ड्राइंग का रीडिंग है, या फिर उस जॉब को स्पीड में कंडक्ट करने का है। और सबसे इम्पोर्टेंट था, चूँकि सिलेक्शन प्रोसीजर था उसमें 10 लोग इन्वॉल्व थे, लेकिन हमने उसमें कंपटीशन नहीं देखा, हमने उसमें जो है ना एक टीम वर्क देखा, दैट इज़ वेरी मच अप्रिशिएबल। बहुत ही अच्छा एनालिसिस रहा अपना, आपने जो प्रैक्टिकल उनका करवा के लिए। देखिए, इस सिलसिले में आप बहुत सारे आईटीआई में गए होंगे इंटरव्यू लेने के लिए या प्रैक्टिकल्स होंगे, तो आपने वो भी आईटीआई देखे हैं, ये आईटीआई भी आपने घूम कर देखा, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि समय निकाल कर आप घूमें। तो कुछ खास बातें नजर आई आपको इस आईटीआई में? इट वॉज टोटली सरप्राइज, क्योंकि हम लोग हमारा जो इंडस्ट्री है उसमें हमारा फोकस ह्यूमन रिसोर्स पर बहुत की फोकस है। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ की फैसिलिटी है, वो आई थिंक अहेड ऑफ टाइम है और काफ़ी सुपरलेटिव लेवल है। स्पेशली जो इनका जो ऑडियो विजुअल जो आपके या साइंस लैब या जो ऑडियो विजुअल क्लासरूम्स है, दे आर रियली मैग्निफिसेंट। आई थिंक दे मस्ट बी डिलीविंग द राइट टाइप ऑफ द रिजल्ट। और इंफ्रास्ट्रक्चर में आई जस्ट वांटेड टू कॉम्प्लीमेंट हुसोआर द प्रमोटर्स, या जो इसको मैनेज कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल है, जो यहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स हैं, इनको मैं एक्चुअली ऑनेस्टली कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि वो लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, एंड दे आर डूइंग देयर जॉब टू द रिक्वायर्ड लेवल और स्लाइटली मोर देन रिक्वायर्ड लेवल। देन इनका जो द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉर्नर इन योर इंस्टीट्यूशन, जो मेरे को फील आया, वो इनका लाइब्रेरी है, आपका लाइब्रेरी है। तो होता क्या है कि किसी भी लीडर को बनने के लिए उसका फिटनेस और उसका नॉलेज बेस इंपॉर्टेंट होता है, दो ही पैरामीटर जो है तकरीबन किसी भी फील्ड में लीडर्स क्रिएट करता है। तो उसके लिए ये कॉलेज बहुत कंडूसिव में जो है ना सपोर्ट करता है, कि उनकी फिटनेस के लिए उन्होंने जिम भी दिया है, उनको जो साइंस लैब्स वगैरह प्रोवाइड किए, ताकि मोर देन आईटीआई ऑलमोस्ट नियर टू अ ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्ट्रीम या डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्ट्रीम तक का उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप करने में ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इसको प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो वो हेल्प करेगा। इसी तरह से देखा है आपने खुली आंखों से। मैं ये चाहूँगा कि जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहोगे एबिलिटी के बारे में, हुनर के बारे में और जॉब के बारे में? जी, एक्चुअली मैं इंडस्ट्री में 30 साल से काम कर रहा हूँ, और सोशली बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, यानी कि अगर आपको कहीं जॉब पे जाना है तो जॉब लगाना है तो आपको रिश्वत देनी पड़ती है, या इवन आपको कोई बिजनेस लेना है तो आपको कुछ फेवरेटिज्म करना पड़ता है प्रांत के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, इस तरह के कुछ मीथ है सोसाइटी में। 30 ईयर्स का मेरा एक एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से हो और आप प्रोफेशनली प्रॉपरली क्वालिफाइड और कैपेबल हो, और आपके अंदर अगर वो वर्थ है, तो आपके साथ में ना कोई पार्शियलिटी होगी, ना ही आपको कोई शॉर्टकट्स लेने पड़ेंगे, ना आपको किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इफ़ यू हैव गॉट द पोटेंशियल, देन आपके लिए अपॉर्चुनिटी इंडिया और महाराष्ट्र में वेटिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। यस, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया कि कहते हैं कि जिसके पास है हुनर वही है विनर। मतलब हुनर अगर है तो आपको कोई पहचान की ज़रूरत नहीं, आपका काम ही आपकी पहचान है। तो दोस्तों, ये थे
जनरल मैनेजर आदरणीय इम्तियाज चौगले सर, जो मैसेज उन्होंने आपको दिया है वो आप तक सीमित नहीं रखना है, इसको आपके पहचान के लोगों तक भेजना है, शेयर करना है। मिलते हैं अगले ऐसे ही एक खास वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।